कलयुग का अंत कब होगा, और कलयुग को लेकर जो कहानी सुनाई पड़ती है कि भगवान अवतार लेंगे, कल्कि भगवान अवतार लेंगे, तो कलयुग में कौन सा साल चल रहा है, क्या वाकई में अंत होगा, क्या भगवान आएंगे, क्योंकि इसके नाम पर फिल्में भी देख ली हमने, वेब सीरीज भी देख ली कल्कि के नाम पर, भगवान आएंगे और कलयुग अपने चरम पर कब पहुंचेगा, कितने टाइम बचा हुआ है? भागवत में लिखा हुआ है एग्जैक्ट डेट समय विद प्रूफ लिखा हुआ है कि 432,000 कलयुग की टोटल आयु है, टोटल एज है, तो 5,000 साल उसमें बीत गए क्योंकि कृष्ण आए, कृष्ण के जाति कलयुग शुरू हो गया और अभी कलयुग चल रहा है, तो 5,000 साल उसको बस हुए हैं, तो अभी बहुत लंबा समय बाकी है। 432,000 साल में से 5,000 साल बीते हुए हुए हैं, तो इसका मतलब अभी बहुत लंबा टाइम बाकी है। बात रही कल्कि अवतार की, बिल्कुल कल्कि अवतार होगा, इलाहाबाद में होगा, संबलपुर गांव में होगा, उसकी तिथि, उसका स्थान सब कुछ भागवत में लिखा हुआ, और भागवत की कोई बात झूठी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हवा में बनाई हुई बातें हैं, अगर हमारे ग्रंथों में लिखी है तो इसका मतलब वो होने वाली है, क्योंकि भागवत कृष्ण के जन्म से पहले व्यास जी ने लिख दी थी क्या क्या होने वाला है, वो सब बता दिया था। तो कलयुग में कल्कि अवतार होगा, लेकिन उसमें बहुत समय है। भागवत में लिखा है कि आगे आने वाले जो 32,000 साल हैं, इसमें कलयुग बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ा है, अभी लोग सोच रहे कलयुग बढ़ गया, ये तो कलयुग अभी बढ़ा नहीं है, शुरुआत है। 32,000 साल में ऐसा कलयुग आएगा कि जैसे जंगल राज नहीं होता कि जिसका लाठी उसी का राज चलेगा, वही कलयुग में होने वाला है, क्योंकि यहाँ जिसका बल होगा, जिसके पास बल अधिक होगा वो राजा बनेगा, और इतना भी लिखा है कि ऐसा जंगल राज आएगा कि लोग आपस में एक दूसरे को मार मार करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो भागवत की ये सब बातें कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही हैं आज, और आगे भी होने वाली।